हो गया, गंगा प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो। हम लोग गंगा किनारे के लोग हैं, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि गंगा के विषय में, हम लोगों के पूर्वजों ने गंगा को कुछ ही बनाया कि हम लोग का जो जन जनांतर का जो पाप है उसको धूल हो जाए, और हम लोग अंतिम समय में जब हम लोग का अंतिम क्रिया हो, अंतिम संस्कार, उसके बाद हम लोग पाप मुक्त हो। लेकिन हम लोग को जो नाम तेरी गंगा मैली फिल्म बना उसमें गलत नहीं करा कि गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते हैं। हम लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो साल भर के बाद गंगा में स्नान करने से तो पूरा जो हुमात अगरबत्ती या जितना रहता है गंगा में जाके पीते हैं। गंगा में हुमार अगरबत्ती नहीं पीना है, गंगा किनारे गतवन नहीं करना चाहिए, साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, समझे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सभी लोगों से कि गंगा किनारे जब जाइए तो इस बात को ध्यान रखिए कि गंगा किनारे स्नान करने के वक्त आप किसी भी तरह का गंगा में प्रदूषण नहीं कीजिए। गंगा में फूल सामग्री भी नहीं, फूल अगर डालिए तो फूल डाल के निकाल लीजिए, एक परंपरा है। और विद्यापति जी बोले हैं कि गंगा में जब जाते थे तो पाँव उनका जो पड़ा तो इसके लिए क्षमा मांगी। तो हम लोग अगर कोई गलती करेंगे, विद्यापति जो जिनका नौकर के रूप में उतना के रूप में भोले बाबा थे, उनको गंगा के लिए क्षमा मांगना पड़ा, तो हम लोग किस तरह के होंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि गंगा में जब भी जाए तो गंगा में प्रदूषण नहीं करें, इस बात को हम लोग ख्याल रखें। और गंगा किनारे जो लोग भी हैं वो लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जैविक खेती पर जोर दीजिए, क्योंकि गंगा में जो जैविक खेती अगर नहीं कीजिएगा तो गंगा में प्रदूषण होगा। जो केमिकल खाद है आपको पोटास है, यूरिया है, डीएपी है, इससे गंगा में प्रदूषण हो रहा है। तो सरकार जो है नमामि गंगा के द्वारा पैसा दे रहा है, तो आप जैविक खेती कीजिए, पैसा लगा के क्यों डीएपी कीजिएगा, यूरिया से खेती कीजिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि गंगा किनारे के हम लोग जो है से क्या करें कि जैविक खेती नहीं करें। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हमारे गांव में होता है, गंगा में होता है, एक सिंगल प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। अभी बिहार सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार 2 अक्टूबर 2022 से और बिहार सरकार 1 जुलाई 2022 से क्या किया कि सिंगल प्लास्टिक पर रोक लगाए हुए हैं। तो इसको रोक के पालन करें हम लोग, और पालन करने के बाद में इसको सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे हम लोग शादी विवाह करे, मुंडन करे, या कोई मर जाता है वो भोज करते हैं, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए आपका आभारी है कि हम जो कुछ जानते थे थोड़ा आप लोग से जिससे हम सीखे हैं, तो हम गंगा के प्रदूषण गंगा में नहीं हो इस पर हम